समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को तारामंडा रोड स्थित एक मैरिज हॉल में पार्टी द्वारा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रबली, पूर्व विधायक शारदा देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष गीतांजलि यादव, राजमती निषाद सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों और सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा के गठबंधन की सरकार बनेगी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने की बात भी कही। ये ग्रामीण लोहिया जयप्रकाश, आचार्य नरेंद्र देव चौधरी, चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव का देश। तो मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार गन्ने का मूल्य नहीं दे रही। गन्ना कितनी मेहनत के बाद पैदा होता है, गन्ने का किसान कितनी मेहनत करता है, पहले तो उसका गन्ने पर प्राकृतिक आपदा से और जानवर से उसको नुकसान पहुंचाया जाता है, और उसके बाद गन्ने की जब फसल आती है तो गन्ना माफिया उसको पर्ची के नाम पर शोषण करते हैं, और इसके बाद जब वो पर्चियां मिल जाती है तो गन्ना किसान अपना गन्ना लेकर बैलगाड़ी में, ट्राली में, ट्रैक्टर में या ट्रक में जब लेकर जाता है हफ्तों वो गन्ना मिलों के सामने खड़ा रहता है, हफ्तों खड़ा रहता है, गन्ना सूख जाता है, किसान हफ्ते हफ्ते भर धूप में पसीने में भूखा वहां खड़ा होता है, लेकिन उसका गन्ना नहीं लिया जाता। और आज भारतीय जनता पार्टी के बिचौलियों की पर्चियों से गन्ना लिया गया। पूरे प्रदेश में गन्ने में जिस तरीके की लूट भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुई है, इस तरीके की लूट 70 वर्ष के अंदर कभी नहीं हुई है। हजारों करोड़ रुपए का घोटाला इन गन्ना किसानों के साथ हुआ है। गांव ने पुलिस उत्पीड़न की बात किया है, पुलिस उत्पीड़न हम समाजवादी पार्टी के लिए कोई नया नहीं। समाजवादियों का उत्पीड़न इसलिए होता है, अम्बेडकर से लेकर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव के सिपाही हैं। हम सच्चाई पर चर्चा करेंगे और भारतीय जनता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। अभी आपने देखा ही, उन्होंने खदेड़ दिया गया इस सरकार के उन तंत्र के लोगों ने 13 लाख बच्चों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया, और जब इनका 2019 के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपना नाम यथावत रखने के लिए 1 जून से 30 जून तक आप परिश्रम कर लो, कोई काम न करिए, केवल अपने अपने गांव में इसकी चर्चा करिए, बीएलओ से मिलिए, अपने बीएलए, अपने बूथ कमेटी के सभी सदस्यों को जागरूक कीजिए। आपका 2019 में आपने इस बार को एक सीट दिया, अगली बार बांस गांव भी आपके हाथ में हो सकती है अगर आपने काम कर दिया। काम अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं, इसीलिए गोरखपुर का नाम पूरी दुनिया में चला गया, पूरी दुनिया में चला गया। गोरखपुर ने जो ऐतिहासिक जीत किया, इसलिए अपने इतिहास को दोहराने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अन्याय समाप्त करने के लिए, शोषण समाप्त करने के लिए आप संगठित होकर आप इस अभियान में लगाओ। सितंबर के महीने से दूसरा काम शुरू होगा, सितंबर के महीने से काम दूसरा शुरू होगा, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता सूची में संशोधन उनका होगा। जो बच्चे नौजवान है 18 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के नौजवानों का एनरोलमेंट होगा, उनका पंजीकरण होगा, उसके लिए प्रपत्र 6 भरना होगा, और प्रपत्र 6 के लिए मैं जिला कमेटी, महानगर कमेटी से कहना चाहता हूं कि अगर निर्वाचन कार्यालय से आपको प्रपत्र 6, 7, 8, 9 मिले तो उनका आज प्रभारवा लेकर छपवा लीजिए, कार्यकर्ताओं में बांट दीजिए अभी से, क्योंकि हर गांव में बीएलओ प्रपत्र लेकर नहीं जाता है, और वो लोग बिना प्रपत्र के, बिना 6 प्रपत्र 6 और बिना प्रपत्र 7-8 के वो अपना डिटेल नहीं दे पाता है, और वो तहसील के चक्कर लगाता है। इसलिए तहसील का चक्कर न लगे, जिलाधिकारी निर्वाचन कार्यालय में न जाना पड़े, आपका धन और आपका समय न बर्बाद हो,
इसलिए संगठन के भाइयों आपके माध्यम से लोकतंत्र में सबसे बड़ा काम है आपका जागरूक होना। अगर आप जनता को जागरूक करोगे तो जब गोरखपुर जीत लिया तो बांसगांव महाराजगंज देवरिया और खलीलाबाद को जीतने में कोई कसर नहीं होगी। आपके प्रयास से चुनाव जीते जाएंगे। ये आपको अभियान चलाना है। जनवरी के महीने में अंतिम सूची का प्रकाशन होगा और अंतिम प्रकाशन होगा, उसके बाद आपका कोई आपत्ति नहीं लिया जाएगा। आपका मतलब जो सूची का संशोधन चाहे वो इनरोलमेंट हो, चाहे नाम कटवाना हो, चाहे आपका प्लेस चेंज हो, आपका स्थान परिवर्तन करने का मामला हो, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप सबसे आगाह करने आए, अपील करने आए, निवेदन करने आए कि जितने लोग आ गए हो अपने अपने गांव में 30 जून तक वोट बचाए रखो और 30 जून के बाद जिस सितंबर के महीने में मतदाता सूची में संशोधन की बात आवे तब आप नए मतदाताओं को इनरोल करने के लिए, और अगर कोई मतदाता अपना स्थान परिवर्तित करना चाहता है और अगर कोई गलत उसमें दर्ज है तो उसको हटाना चाहता है तो उसके लिए पहले से प्रोफार्मा तैयार रखो और उस प्रोफार्मा के माध्यम से अपने अपने गांव में अपने समर्थकों का बूथ और अपने समर्थकों की सूची आप अपने जेल में ले लो, अपने पास ले लो। अगर ये काम करोगे तो आपका आने वाली पीढ़ी आपका याद करेगी। याद